यमुनानगर से बड़ी खबर इस वक्त की, जहां यमुनानगर में सीएम ने हथिनीकुंड बैराज का निरीक्षण किया है और बैराज का दौरा करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा है कि डैम को और ऊंचा करने पर विचार किया जाएगा। कई बार खतरनाक स्तर से ऊपर पहुंचा है उसका जल स्तर, जिसकी वजह से इस डैम को थोड़ा ऊंचा किया जाएगा। ये जनता टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं यमुनानगर की। जो हमें वर्षा के बाद लगभग 2000 क्यूसिक ही मिलता है, अगर एक अच्छा डैम यहाँ बनता है तो हो सकता है 500, 600, 700 क्यूसिक पानी उसमें और बढ़ जाए। पूरी प्लानिंग ये है कि इस डैम से भी थोड़ा ऊंचा डैम बनाया जाए जी, और थोड़ा सा पीछे हटके बनाया जाए ताकि पानी ज़्यादा रोका जा सके। बरसात का पानी रोकने के बाद रेगुलर सप्लाई उसकी, जो हमें वर्षा के बाद लगभग 2000 क्यूसिक ही मिलता है, अगर एक अच्छा डैम यहाँ बनता है तो हो सकता है 500, 600, 700 क्यूसिक पानी। तो बता दें कि सीएम ने हथिनीकुंड बैराज का निरीक्षण किया और कहा कि इसे थोड़ा ऊंचा किया जाएगा। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुमित ओबराय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, और क्या जानकारी आ रही है? जी बिल्कुल, सीएम मनोहर लाल खट्टर जो है कुछ ही देर पहले यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज पर पहुंचे थे और यहां पर जो है सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने उनको जो है मैप के जरिए बताया, क्योंकि सीएम ने जब मीडिया से बातचीत की तो उनका यह कहना था कि ऐसी संभावनाएं तलाशी जा रही थी कि जिस प्रकार से बरसात के दिनों में हथनीकुंड बैराज से जो है लाखों क्यूसिक पानी जो है वो यहाँ से डाइवर्ट किया जाता है और कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि जो बाकी छोटी नहरें हैं उनको भी बंद करना पड़ता है और जो बाद में जो पानी होता है वो कुछ ही क्यूसिक पानी बचता है। तो इसी को लेकर हथनीकुंड बैराज से जो है 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो 3 साइट सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा दिखाई गई है कि वहां पर एक ऐसी एक संभावनाएं जताई जा रही हैं कि यहां पर 7 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो है आगे जाकर एक डैम बनाया जाएगा, ताकि बरसात के दिनों में जो है वहां पर 500 से जो है 1400 क्यूसिक तक जो है पानी स्टोर किया जा सके और जो बरसात के दिनों में पानी व्यर्थ जाता है वो व्यर्थ ना जाए। और उनका यह कहना था कि जिस प्रकार से लखवार डैम, किसोई डैम और रेणुका डैम है, उसी प्रकार से इसकी ऐसी एक संभावना तलाशी गई है और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा जो ऐसी शुरुआत में संभावनाएं जताई गई है कि इतनी ऊंचाई पर एक और डैम यहाँ पर बन सकता है जिसके अंदर जो है पानी स्टोर किया जा सके। तो अभी उनका कहना था कि पूरा खाका तैयार किया जाएगा, इस पूरा सर्वेक्षण किया जाएगा और उसके बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिलहाल उसी चीज के लिए आज जो है सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ जो है बैठक करने और पूरे जो नक्शा है उसके जरिए जानने और जो साइट्स हैं वहां पर जाकर उन्होंने खुद देखा और सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा दिखाया गया कि यहां पर जो है एक ऐसी संभावना तलाशी जा रही है कि यहां पर ये डैम बनाया जा सकता है। तो उनका यह कहना था कि इसको लेकर सर्वेक्षण भी किया जाएगा और सर्वे के बाद ही और पूरी रिपोर्ट। जी सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बता दें कि बैराज का दौरा करने के बाद सीएम ने कहा है कि इस डैम को थोड़ा ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि काफी समय ऐसा होता है कि इसका जो जल स्तर है वो काफी बढ़ जाता है।